किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जो आप ये गोबर का ढेर देख रहे हैं, ये वो गोबर का ढेर है जिसमें हमने आज से 10-15 दिन पहले, 15 दिन हो गए समथिंग, ये वेस्ट डिकम्पोजर डाला था हमने। आधे में डाला है और आधे में नहीं डाला है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया गया है ऐसा। तो इसमें कुछ ऐसा है, इस ग्रुप में कुछ नए किसान हैं हमारे जिनको पता नहीं है इसके बारे में, तो ख़ास तौर पे ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो अभी जैविक खेती शुरू की है या शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए है। तो आप देख सकते हैं, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं इसमें, मतलब फर्क अगर आपको दिख रहा है तो एक साइड में वेस्ट डिकम्पोजर डाला हुआ है और एक साइड में नहीं डाला हुआ है। अब आपको पहले वो भाग दिखाता हूँ जिसमें नहीं डाला है। ये देख लीजिए, ये वो एरिया है जिसमें हमने वेस्ट डिकम्पोजर नहीं डाला है और ये ताज़ा गोबर डाला हुआ है। और ये है वो गोबर जिसमें हमने वेस्ट डिकम्पोजर डाला है और केवल एक बार डाला है, उसके बाद नहीं डाला, ना ही ढेर को ढका गया है, इसलिए ऊपर कुछ सूखे टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं गोबर के। बाकी आप देख सकते हैं तैयार नहीं हुआ है, अभी वक्त लगेगा, एक बार इसमें और भी डालना पड़ेगा, हो सकता है दो बार डालना पड़े क्योंकि काफ़ी बड़ा ढेर है ये, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। तो करीब से आपको दिखाता हूँ मैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, अब अंदर से दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये देख लीजिए, कहीं कोई कच्चापन नहीं है और ये कोई ज़्यादा पुराना गोबर नहीं है, ताज़ा गोबर आप उस साइड में देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए गलना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं, और देखिए इधर कुछ फसलों के अवशेष डाले हुए थे, बस वो जो कचरा होता है तूड़ी वगैरह वो डाला हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे है, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरी तरह तैयार हो गया है, इसकी पूरी मिट्टी की तरह हो गया है, ये देखिए एकदम मिट्टी जैसा दिखाई देगा आपको, ये कचरा जो डाला था देख सकते हैं आप। तो आप भी इसमें, जो भाई केचुए की खाद नहीं बना सकते हैं, जिनके पास केचुआ अभी उपलब्ध नहीं है, इस तरह भी गोबर को आप कंपोस्ट खाद बना सकते हैं वेस्ट डिकम्पोजर के ज़रिए। बहुत ही आसान और सरल तरीका है,